कल हमने अध्याय 8 समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन घर जाकर जब मैंने देखा तो उसका थोड़ा सा सारांश रह गया था। उस सारांश को आज हम पहले लेंगे, 2 मिनट की बात है, लेकिन वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको लेना आवश्यक है। उसके बाद अध्याय 9 शुरू करेंगे, और अध्याय 9 में मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन व्यतीत हो जाना चाहिए। अध्याय 8 में जिसमें बाबा ने चेतना का विकास समझाया है, उसके अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एक बार क्या हुआ, ये दीदी आज आप पीछे बैठ गई, इस पर एक गुरु प्रसाद की घटना मुझे याद आ गई। छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। गुरु प्रसाद में जब बाबा दर्शन दिया करते थे, बहुत भीड़ रहती थी और एक साइड पुरुष बैठते थे और एक साइड महिलाएं बैठती थी, बीच में रास्ता रहता था। एक महिला बहुत पीछे बैठती थी और उसके मन में दर्शनों के दरमियान एक दिन ये विचार आया कि पता नहीं बाबा की मेरे ऊपर निगाह पड़ती भी होगी या सोचा, पता नहीं बाबा इतनी दूर से मुझे देख भी पाते होंगे या नहीं देख पाते होंगे, और पता नहीं बाबा में मेरे ऊपर नज़र भी है उनकी या नहीं है। उसके मन में ये भावनाएं आई। उसी दिन क्या हुआ, वो बैठ रहे अपने स्थान पर, एक व्यक्ति और था पुरुषों की लाइन में, उसने क्या किया, अपना स्थान बदल के पीछे से वो आगे आगे बैठ गया। तो बाबा ने उससे पूछा, जब दर्शन प्रारंभ हुए, तुम यहाँ क्यों आके बैठ गए? बोले, बाबा पीछे से मैं आपको नहीं देख पा रहा था और शायद आप ही मुझे बोले नहीं मैं ही सबके ऊपर निगाह वहीं बैठो चलो। तो आप ये देखिए, बाबा ने उस महिला से नहीं कहा, लेकिन उस पुरुष के माध्यम से उस महिला को, उस अंतर्यामी ने ये जवाब दिया कि मेरे, आप ऐसा मत सोचिए कि बाबा की निगाह नहीं है, परमात्मा सबको देख रहे हैं और यही कारण है कि हम उनसे बंधे हुए हैं। मेरे साथ भी यही हुआ जी, बताइए प्लीज। मैं बोलने वाला था, ये उदाहरण है। मैं वहाँ गुरु प्रसाद में बैठी हुई थी, तो मैं बैठे बैठे मैं सोचने लगी बाबा का बिस्तर ना जाने कैसा होगा, बाबा का कमरा कैसे होगा और बाबा का नहाने की जगह कैसी होगी, ऐसे ही सब सोचती रही। इतने में बाबा ने चुटकी बजाई और मुझे खड़ा कर दिया। इतने लोगों में कोई खचाखच भरा था वो हॉल, और मुझे खड़ा कर दिया और मनी बहन को इशारे से कहा कि पहले से ले जाओ और दिखा के लाओ। तो मुझे वहाँ पहले मनी बहन लेगी, उसने एक बिस्तर दिखाया बहुत सफ़ेद साफ सुथरा, और उस कमरे में बिछावा और कि बाबा यहाँ सोते हैं। वो मनी बहन ने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। और फिर मनी बहन ने कहा कि एक चौकी बिछी हुई थी कि यहाँ बाबा पूजा करते हैं। तो वही भी मेरे दिल में आया था कि कहाँ पूजा करते होंगे, कैसे बैठते होंगे, संध्या करते होंगे। फिर आगे चली तो मनी बहन ने कहा ये मेरा का कमरा है और ये मेरा कमरा है, और फिर वो बाथरूम में ले गई मुझे और वो दिखाया बाथरूम, ये बाथरूम, और फिर मैं वहाँ आके वापस आके मिलता। इतने लोगों महल बाबा की जो चले चले पर लिखा है, ये जो विषय आपने लिया है, यही संयोग से इस अध्याय की समाप्ति भी इसी विषय पर है। अध्याय 8 की जो अध्याय 8 के अंत में पापा हमें समझा रहे हैं कि यदि हम वास्तव में पूरे विकास के क्रम का अध्ययन करें या उस पर दृष्टिपात करें, तो हमें समझ में आएगा वास्तव में ये परमात्मा ही था जो अपने मूल स्वरूप से नीचे आया। नीचे आकर उसने हमारे रूप में सारे ये विकास की यात्रा, पत्थर से, पाषाण, गैसों से,
कर यहाँ तक पूरी करी, मनुष्य के रूप में जो अब जन्म पुनर्जन्म हो रहा है उसी की चेतना का हो रहा है, इन्वोल्यूशन जो आंतरिक यात्रा हो रही है परमात्मा की हो रही है, और फिर परमात्मा स्वयं को जान रहा है, ये और कोई नहीं, ये परमात्मा की मैं कौन हूँ, हु एम आई से लेकर आई एम गॉड अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा है जो वो हमारे इस सृष्टि के अंदर पूरी कर रहा है हमको समझाने के लिए। वास्तव में ये पूरी यात्रा परमात्मा की है। इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है इस अध्याय के अंत में, बाबा ने ये बताया कि पूरी सृष्टि में 56 ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष रहते हैं और उसमें से 56 में से 5 सतगुरु के रोल में रहते हैं जिनको हम सतगुरु कहते हैं। 56 के अंदर 5 होते हैं और उन 56 की भूमिकाओं में उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जगत के कल्याण के लिए केवल 5 लोग कार्य करते हैं हमेशा। और जो इस अध्याय के अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात आई है वो ये है, बाबा ने ये दो बातें हमें समझाई, अवतारिक साइकिल क्या होती है और अवतारिक पीरियड्स क्या होते हैं, अवतार का चक्र क्या होता है और अवतार का काल क्या होता है, और सद्गुरु इस काल और चक्र को कैसे भांप कर परमात्मा को नीचे लेकर आता है। बाबा ने इस अध्याय के अंत में हमें ये बताया कि अवतार का जो साइकिल होती है वो अवतारिक साइकिल 700 से 1400 वर्ष की होती है और अवतार का काल 100 से 200 वर्ष का होता है। जब परमात्मा 700 साल के बाद सृष्टि पर आता है तो उसका काल 100 वर्ष का होता है, जब परमात्मा 1400 साल के बाद आता है तो उसका अवतारिक काल 200 वर्ष का। ये इस अध्याय के अंत में बाबा ने समझाया है और कैसे आते हैं ये बाबा समझा रहे हैं इस अध्याय के अंत में। प्रत्येक साइकिल के अंत में सद्गुरु जो 5 रहते हैं वो सीधे ईश्वर को मनुष्य के रूप में लाने का आह्वान करते हैं, माता पिता का चयन करते हैं, स्थान का चयन करते हैं, समय का चयन करते हैं और उस परात्पर परब्रह्म को मनुष्य के बीच में सृष्टि में मनुष्य की तरह लाते हैं और लाने के बाद एक निश्चित समय आने पर वो लोगों के सामने उस पर्दे को हटा देते हैं कि ये ब्रह्म है। अब जब सद्गुरु और परमात्मा की चेतना में सद्गुरु ने अपनी यात्रा परात्पर परब्रह्म से पूरी साइकिल से पूरी करी और वो ईश्वर है, सद्गुरु ईश्वर का स्वरूप है, सद्गुरु स्वयं ईश्वर है, सद्गुरु ब्रह्म है, तो उसको ब्रह्म को मनुष्य के रूप में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो सारे काम स्वयं संभाल सकता है, सद्गुरु सृष्टि का संचालन करते हैं, पृथ्वी सद्गुरु विहीन कभी नहीं होती, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त 56 जीवात्माएं हमेशा सृष्टि में मौजूद रहती हैं, 5 सद्गुरु उसमें संचालक मंडल के रूप में कार्य करते हैं, उन 5ों का एक प्रमुख होता है जिसको कुतुबे ईश्वर कहते हैं और ये सब चेतना में समान होते हैं, ये सब ईश्वर होते हैं, यदि ये सब सच है तो परमात्मा को लाने की जरूरत क्यों थी? और
ये सदगुरु भी सृष्टि का कल्याण उसी प्रकार कर सकते थे जैसे परमात्मा करता है, लेकिन इसका एक बहुत सुंदर अंतर बाबा ने बताया, बहुत सुंदर अंतर है। ये तो हम सब जानते हैं कि जब परमात्मा पूरी विकास और अंतर यात्रा पूर्ण करके ईश्वर बना तो उसको सदगुरु कहते हैं, और जब परमात्मा अपनी विकास की यात्रा पूरी करके मनुष्य से ईश्वर बना तो उसको सदगुरु कहते हैं, और जब परमात्मा सीधे मनुष्य बना तो उसको अवतार कहते हैं। इतनी बात तो हम सब लोग जानते हैं। और कभी हम गॉड स्पीक्स के इतिहास पर आएंगे तो ये जो अंतर है ये गलती से बाबा ने समझाया। गॉड स्पीक्स में मूलतः समायोजित नहीं किया गया था। मणि दीदी जो पत्र लिखती थी उस पत्र में मणि दीदी ने ऑनिट आईबीड्यूस को कुछ बात लिखी इस अवतार काल उसके संबंध में, और वही पत्र की एक प्रतिलिपि उन्होंने पश्चिमी तट पर पिली को भेजी। बिली ने जब वो बात ऑनिटा आईवीड्यूस को बताई तो दोनों पत्रों में इस चीज में कुछ गलती थी। वो गलती फिर बाबा को पास लाई गई कि ये गलती कैसे हुई जब मणि दीदी ने ये पत्र लिखे हैं। तो फिर बाबा जब 1954 में अक्टूबर में अल्फाबेट बोर्ड का त्याग कर चुके थे तो बाबा ने इस चीज को स्पष्ट करने के लिए इशारों से सारे ये बातें स्पष्ट करी। 700 से 1400 साल और 100 से 200 वर्ष ये सारी बातें बाबा ने स्पष्ट करी हैं बौद्ध स्पीच का प्रकाशन के लिए पांडुलिपि के जाने के बाद, इसलिए ये सारी बातें अंत में आई। सदगुरु अनंत ज्ञान अनंत आनंद और अनंत शक्ति का स्वामी है। अनंत ज्ञान अनंत आनंद और अनंत शक्ति को लोगों के कल्याण के लिए प्रयोग करता है और अपनी इस चेतना से वो भली भांति परिचित होता है, और साथ ही साथ ईश्वर के स्वरूप से कि मैं ईश्वर हूँ इस बात से भी परिचित होता है, और परमात्मा भी अवतार भी ये सारी बातें करता है। अवतार के अंदर विचार छोटा सा एक अंतर है। ये मनुष्य से परमात्मा बनता है, ये परमात्मा से मनुष्य बनता है, लेकिन इसका कारण क्या है और आवश्यकता क्या है? बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है।